हेलो स्टूडेंट्स प्रेजेंटली हम फोर्थ यूनिट में रनिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट स्टडी कर लिया था बेटा आज वाला टॉपिक है दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर तो देखिए हम पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और हम पढ़ेंगे अब टॉपिक दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर तो देखिए बेटा म्यूचुअल इंडक्शन है क्या समझिए मान लीजिए दो क्वाइल्स हैं विच आर पैरल टू ईच अदर एंड स्मॉल सेपरेशन बिटवीन दैम एक क्वाइल ये है एंड सेकेंड क्वाइल ये है क्लियर अगर बेटा एक क्वाइल के अंदर करंट की वैल्यू चेंज होती है तो नेबरिंग क्वाइल के अंदर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी अगर इस क्वाइल के अंदर करंट की वैल्यू चेंज होती है तो इस क्वाइल के अंदर इंड्यूस्ड टीएमएफ़ प्रोड्यूस्ड होगा और सिंपल सी बात है एक क्वाइल का इंड्यूस टी एम एफ नेबरिंग क्वाइल के अंदर करंट के चेंज का अपोज करेगा म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है आपस में एक दूसरे का इंडक्शन मतलब आप सिंपल कह सकते हैं कि एक क्वाइल के अंदर जो इंड्यूस टी एम एफ होगा वो दूसरी क्वाइल के अंदर करंट के चेंज का अपोज करेगा या दूसरी क्वाइल के अंदर जो इंड्यूस टी एम एफ होगा वो पहली क्वाइल के अंदर करंट के चेंज का अपोज करेगा एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या बताओगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू क्वाइल्स सिंपल वे में लिखोगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू क्वाइल्स ये बेटा जस्ट क्या है प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू क्वाइल्स मतलब दो क्वाइल्स हैं और दोनों क्वाइल्स की आपस की एक दूसरे की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक दूसरी क्वाइल के अंदर करंट के चेंज का अपोज करते हैं मतलब जो भी क्वाइल होंगी तो देखिए सिंपल हम कहेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू क्वाइल्स क्लियर ये प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है टू क्वाइल्स की ड्यू टू विच ड्यू टू विच इंड्यूस्ड ई एम एफ

जिसके अकॉर्डिंग क्या आया कि एक क्वाइल के अंदर कि इंड्यूस्ड टी एम एफ प्रोड्यूस्ड इन ए क्वाइल अपोज़िज़ द चेंज ऑफ करंट इन द नियर बाय क्वाइल दिस इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर अब समझिए बेटा हम पढ़ चुके हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग सिंपल सी बात है करंट अगर ज़्यादा है तो फील्ड ज़्यादा होगा फ्लक्स ज़्यादा होगा करंट अगर कम है तो फील्ड कम होगा फ्लक्स कम होगा तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट क्लियर बेटा सेल्फ इंडक्शन में प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट था एल और अगर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन की तो म्यूचुअल इंडक्शन में प्रपोशनैलिटी कॉन्स्टेंट आएगा एम क्लियर और यहां पे जो ये एम आ गया ना ये एम क्या है बेटा दैट इज कोफिशियट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दैट इज कोफिशियट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या इसको कहते हैं दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस क्लियर या तो इसको क्या बताइए या तो इसको बताएंगे दैट इज कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस अब बात करते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस के मेजरिंग यूनिट की तो समझिए एक बात अगर मान लीजिए मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की मेजरिंग यूनिट की बात करना चाहूं तो यहां पे एक पॉइंट समझेंगे आप जैसे यहां पे अभी अभी पढ़ रहे हैं फाइव इज इक्वल टू एम आई हो गया यही है तो यहां से m किसके बराबर होगा दैट इज फाइव बाई आई यही होगा ना बेटा और फाइव क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की मेजरिंग यूनिट क्या है वेबर और अपॉन क्या आ जाएगा एम्पियर तो आप क्या बताएंगे मैग्नेट इसकी मेजरिंग यूनिट की बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस की मेजरिंग यूनिट जो होती है वो होती है वेबर पर एम्पियर क्लियर दैट इज वेबर एम्पियर माइनस वन ये आ गई मेजरिंग यूनिट और ये ध्यान रखना ये मेजरिंग यूनिट है म्यूचुअल इंडक्टेंस की नोट म्यूचुअल इंडक्शन बेटा म्यूचुअल इंडक्शन की कोई मेजरिंग यूनिट नहीं होती है दिस इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशेंट की जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्लियर या फिर दूसरा समझिए बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया मैग्नेटिक फील्ड की मेजरिंग यूनिट टेस्ला एरिया की मीटर स्क्र तो मैग्नेटिक फ्लक्स की तो आ गई टेस्ला मीटर स्क्र अपॉन एम्पियर तो इसलिए मेजरिंग यूनिट क्या आ जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वेयर एम्पियर माइनस वन ये बता सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की सेकेंड मेजरिंग यूनिट अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखिए अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट बताई जा सकती है दैट इज हैं आपकी चाहे सेल्फ इंडक्शन की बात करें चाहे म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें दोनों की मेजरिंग यूनिट्स बेटा बिल्कुल सेम होती है और क्या बोल सकते हैं दैट इज हेनरी जनरली कैपिटल एच से लिख देते हैं ठीक है तो तीनों ही मेजरिंग यूनिट सही हैं चाहे आप बोल दीजिए वेबर एम्पियर माइनस वन चाहे बोल दीजिए टेस्ला मीटर स्क्वेयर एम्पियर माइनस वन और चाहे बोल दीजिए हेनरी जनरली कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं okay. और बिल्कुल यही सेम मेजरिंग यूनिट्स किसकी थी आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की थी सेल्फ इंडक्टेंस को हमने किससे लिखा था एल से अब देखिए अब आपने ये पढ़ा है नाव इंड्यूस्ड ई एम एफ बेटा इंड्यूस टी एम एफ क्या होता है आपने ये पढ़ा है इंड्यूस टी एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी क्लियर अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकेंड लॉ दैट इज फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और उसमें हमने पढ़ा है फेराडेज सेकेंड लॉ के बारे में अब देखिए मैं यहाँ पे फाइव की वैल्यू रख रहा हूँ तो क्या आएगा माइनस डी बाई डी टी और बेटा फाई की जगह क्या आ गया फाई की जगह आ गया दैट इज़ एम आई एम बेटा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा माइनस एम एंड दैट इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी क्लियर अब समझिए अगर आप कह दें कि डी आई बाई डी टी ये वन के बराबर होगा वन मतलब वन कह दीजिए या यूनिट के बराबर होगा तो उस टाइम पे क्या रहेगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एम के बराबर हो जाएगा तो आप यहां से कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल कैपिटल एम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन वन क्वाइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर क्वाइल इज यूनिट तो देखिए क्या बताओगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल्स तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना है तो आप क्या बताओगे म्यूचुअल इंडक्टेंस भाई सिंपल बात करेंगे किसकी बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल्स देखिए जो सेल्फ इंडक्शन है उसमें तो एक ही क्वाइल थी बेटा लेकिन जब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है आपकी दो क्वाइल्स हैं तो जब भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे तो उस टाइम पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दो क्वाइल के रेस्पेक्ट में होगा तो यहां पे देखिए क्या बताएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल्स इज इक्वल टू भाई हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो क्या बताएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ एम इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ई एम एफ इन वन क्वाइल इंड्यूस्ड ई एम एफ इन वन क्वाइल कब बेटा वैन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वैन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर क्वाइल इज यूनिट या यूनिटी क्लियर तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में बता देंगे कि जब एक क्वाइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ई मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दो क्वाइल का पहली बात तो समझिए म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा दो क्वाइल के रेस्पेक्ट में होगा एक अकेली क्वाइल में कभी भी डिफाइन नहीं किया जाएगा तो आप क्या बताएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल इज इक्वल टू इंड्यूस टी एम एफ इन वन क्वाइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर क्वाइल इज यूनिट क्लियर तो अब देखिए एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पे आते हैं हमने मान लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है क्वेश्चन है कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स तो देखिए टॉपिक है कैलकुलेट कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है किसका ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सीय सोलेनोइड्स टू लॉन्ग कोएक्सीय सोलेनॉइड्स कैरिंग करंट कैरिंग करंट क्लियर हुआ तो समझिए क्या कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है और किसका टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स और उनमें क्या फ्लो कर रहा है बेटा करंट फ्लो कर रहा है क्लियर तो चलो पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और बेटा बहुत ध्यान से समझ लेंगे जब भी हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की तो सिंपल सी बात है दो क्वाइल्स चाहिए हमें तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दो सोलेनोइड मान लेंगे मान लीजिए ये आपका सोलेनोइड है एस वन क्लियर दिस इज दोलेनोइड एस वन और मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई वन क्लियर ये सोलेनोइड है एस वन और को का मतलब क्या है दूसरा सोलेनोइड की दूसरे सोलेनोइड की भी एक्सिस यही होगी और हम दूसरे सोलेनोइड को मान लीजिए डोटि डिनोट कर देते हैं दूसरे सोलेनोइड को कैसे डिनोट कर, कर देते हैं डिनोट कर देते हैं और मान लीजिए ये आपका सोलेनोइड S2 है ठीक है और सोलेनोइड S2 में मान लीजिए करंट है I2। टू को हो गए बेटा तो देखिए इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा सबसे पहली बात करेंगे कंसीडर करेंगे कंसीडर टू सोलेनोइड्स एस वन एंड एस टू सबसे पहले हमने दो सोलेनोइड कंसिडर कर लिए एक सोलेनोइड एस वन और दूसरा सोलेनोइड क्या है बेटा एस टू वन हैविंग नंबर ऑफ ट्रंस एन वन एंड अदर हैविंग नंबर ऑफ ट्रंस एन टू क्लियर दो सोलेनोइड हो गए और दोनों सोलेनोइड के अंदर एक के अंदर नंबर ऑफ टर्नस एन वन है और दूसरे के अंदर नंबर ऑफ टर्नस हैं एन टू क्लियर फिर हम कहेंगे एक का रेडियस है आर वन और दूसरे का रेडियस है आपका आर टू क्लियर ये दोनों सोलेनोइड्स का रेडियस आ गया रेस्पेक्टिवली बेटा एक का एरिया है ए वन पाई आर वन का स्क्वायर और बेटा दूसरे का एरिया है ए टू दैट इज पाई आर टू का स्क्वेयर ये दोनों सोलेनोइड्स का एरिया आ गया फिर उसके बाद हम कहेंगे एक सोलेनोइड में करंट है आई वन दूसरे सोलेनोइड में करंट है आई टू बेटा एक सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वन दूसरे सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा बी टू दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड्स और बेटा एक का मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा फाई वन एक का मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा टू और अब ध्यान से समझिए म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा दोनों का एक दूसरे की वजह से होगा तो एक तो आएगा एम वन टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड ड्यू टू सेकेंड और एक आ जाएगा बेटा एम टू वन दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड एस टू ड्यू टू दोलेनोइड एस वन तो ये क्या है आपका दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस क्लियर ये बेटा इंट्रोडक्शन मेरी तरह नहीं लिखना है मैं तो आपको जस्ट समझाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूं क्योंकि हम डेरिवेशन में जो जो पॉइंट्स यूज करेंगे हमने उन उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया तो देखिए बहुत क्लियरली समझ लीजिए कंसिडर टू सोलेनोइड एस वन एंड एस टू विच आर कोएक्सीयल कोएक्सील का मतलब क्या होता है बेटा कोएक्सील का मतलब होता है दोनों की एक्सिस सेम है क्लियर एक सोलेनोइड हमने एस वन एज्यूम किया और दूसरा सोलेनोइड हमने अज्यूम किया एस टू फिर हम क्या कहेंगे एक में नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन वन और दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन टू एक का रेडियस है आर वन और दूसरे का रेडियस है बेटा आर टू क्लियर पहले का एरिया आ जाएगा मान लीजिए पाई आर वन का स्क्वेयर और दूसरे का एरिया आ जाएगा बेटा पाई आर टू का स्क्वायर मान लीजिए फर्स्ट सोलेनोइड में करंट फ्लो कर रहा है आई वन और सेकेंड सोलेनोइड में करंट फ्लो कर रहा है आई टू पहले का मैग्नेटिक फील्ड बी वन और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड बी टू पहले का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव वन और दूसरे का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव टू एक के म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू एम वन टू और दूसरे के म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू एम टू वन यहां तक आ गया अब एक पॉइंट बहुत क्लियरली समझेंगे अगर बेटा कभी भी पहले का मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसके लिए करंट और फील्ड दूसरे का रहेगा अगर आप दूसरे का मैग्नेटिक फ्लक्स ले रहे हैं तो उसके लिए करंट और फील्ड हमेशा पहली क्वाइल या पहले सोलेनोइड का रहेगा क्लियर कभी भी देखो करंट ज़्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर सोलेनोइड का ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा लेकिन फ्लक्स दूसरे का ज़्यादा होगा तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आप पहले का फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए करंट और फील्ड दूसरे सोलेनोइड का लेंगे और अगर आप दूसरे सोलेनोइड का फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए करंट और फील्ड किसका लेंगे पहले सोलेनोइड का लेंगे क्लियर तो अब देखिए हम डील करते हैं सोलेनोइड S1 को नाउ फोर सोलेनोइड S1, किसको डील करेंगे बेटा सोलेनोइड S1 को डील करेंगे ये दोनों पॉइंट माइंड में जरूर ध्यान रखें अच्छे से कौन कौन से पॉइंट कि अगर पहले का फ्लक्स है तो करंट और फील्ड दूसरे का और अगर मान लीजिए बेटा दूसरे का फ्लक्स है तो उसके लिए करंट और फील्ड किसका रहेगा बेटा पहले का रहेगा क्लियर तो चलो हम डील करते हैं नाउ फॉर सोलेनोइड एस वन किसको डील कर रहे हैं बेटा सोलेनोइड एस वन को डील कर रहे हैं तो सोलेनोइड एस वन को डील कर रहे हैं तो समझे सबसे पहले क्या कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा पहला सोलेनोइड है पहले सोलेनोइड का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है फाइव वन और अभी अभी हमने बताया है कि अगर पहले सोलेनोइड का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसके लिए करंट और फील्ड किसका रहेगा दूसरे का तो देखिए आप अभी अभी आपने एक पढ़ा था फाइव इज इक्वल टू एम आई तो अगर मैं पहले का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहा हूँ तो उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस तो पहले का ही रहेगा लेकिन करंट किसका आ जाएगा दूसरे का आ जाएगा और मार्क करेंगे इक्वेशन वन ठीक है फिर आप कहेंगे ऑल्सो नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है बेटा एन बी ए के बराबर होता है तो देखिए अगर पहले का मैग्नेटिक फ्लक्स है तो नंबर ऑफ टर्नस भी पहले के आएंगे एरिया भी पहले का आएगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा बेटा दूसरे का आएगा मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा दूसरे का आएगा और अब यहां से देखिए फाइव वन इज इक्वल टू एन वन और अगर दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड है तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड तो हमने पढ़ाई था म्यूनोट एन आई बाई एल यही सिचुएशन थी तो अब यहां पे देखिए आप क्या कहेंगे दूसरे का फील्ड है तो म्यूनोट नंबर ऑफ टर्न्स भी दूसरे के आएंगे करंट भी दूसरे का आएगा और लेंथ भी दूसरे की आएगी तो यहां पे हम ये मान लेते हैं कि दोनों सोलेनोइड कोएक्सी हैं और दोनों की लेंथ भी क्या है एल 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 दैट इज लेंथ ऑफ बोथ द सोलेनोइड्स दोनों के दोनों सोलेनोइड्स की लेंथ क्या है बेटा एल तो मैंने ये किसकी वैल्यू रख दी बी टू की और एरिया ए वन आ गया चाहो तो आप एरिया ए वन की वैल्यू रख सकते हैं पाई आर वन का स्क्वेयर अब क्या करेंगे दोनों को कंपेयर कर देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू बेटा इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करते हैं इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे तो समझे यहां पे क्या आएगा एम वन टू इन टू आई टू इज इक्वल टू एन वन म्यू नोट एन टू आई टू ए वन बाई एल आई टू से आई टू कैंसिल और इस तरह से एम वन टू आ गया बेटा म्यू नोट एन वन एन टू ए वन और अपॉन क्या आ जाएगा अपोन पुटअप कर देंगे हम लेंथ जो लेंथ है कौन सी लेंथ एल लेंथ है ना कौन सी लेंथ है दैट इज एल तो अब हम आगे पुटअप कर देंगे दैट इज लेंथ एल एरिया ए वन और ये लेंथ एल आ गई ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई क्लियर यहां तक अब बेटा सोलेनोइड S2 टू को डील करेंगे लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखेंगे सोलेनोइड S2 टू के लिए भी हम एरिया ए वन ही लेंगे क्योंकि जो सोलेनोइड S1 वन के बाहर जो एरिया है मतलब सोलेनोइड S2 टू और सोलेनोइड S1 वन के जो बीच में एरिया है वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो आप सिंपल वे में लिखेंगे दैट इज देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द सोलेनोइड एस वन और एस टू तो क्या बताएंगे चलो ये आगे डिस्कस करते हैं पहले हम आ, ये हमारा किसके लिए हो गया ये हमारा हो गया सोलेनोइड एस वन के लिए तो अब हम किसको डील करते हैं बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं सोलेनोइड एस टू के लिए डीलिंग करते हैं तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं कि फोर सोलेनोइड एस टू तो देखिए आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि नाव फॉर सोलेनोइड एस टू तो समझिए आगे बात करेंगे नाव फॉर सोलेनोइड एस टू बेटा सोलेनोइड एस टू को डील करेंगे तो देखिए क्या आएगा देयर फोर मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा सोलेनोइड s2 का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है फाइव टू और सेम बेटा वही पॉइंट कि अगर आप दूसरे का मैग्नेटिक फ्लक्स ले रहे हैं तो करंट और फील्ड किसका होगा पहले का तो देखिए दूसरे का है तो कोफिशियंट भी दूसरे का लेकिन करंट किसका आएगा पहले का आई वन और इसको क्या मार्क कर देंगे इक्वेशन थ्री आ गया यहां तक समझ में अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए नेक्स्ट पॉइंट आएगा वी ऑल्सो नो दैट वी आल्सो नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव टू इज इक्वल टू एन टू बी वन और ये एक पॉइंट है बेटा एरिया ए वन ही आएगा क्यों आएगा एरिया ए वन पहली बात तो ये समझिए अगर दूसरे का फ्लक्स है तो फील्ड तो पहले का आना ही था लेकिन बेटा एरिया भी पहले का ही लेंगे क्योंकि सोलेनोइड एस वन और एस टू के बीच में जो गैप है वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो यहां पे क्या लेंगे नाउ एरिया इज ऑफ solenoid s1 because there is no magnetic field there is no magnetic field between the solenoid s1 and s2 बेटा जो सोलेनोइड एस वन और एस टू के बीच में जो एरिया है वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा कोई सॉरी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो फ्लक्स के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा और इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फाइव टू जो आ जाएगा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन टू आएंगे मैग्नेटिक फील्ड पहले का आएगा म्यूनोट एन वन आई वन और अपॉन लेंथ एल आ गई और बेटा एरिया भी क्या आ जाएगा ए वन आ जाएगा क्लियर अब बेटा इसको मैं मार्क कर दूं इक्वेशन फोर दोनों को कंपेयर कर देंगे तो देखिए क्या लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर और बेटा इक्वेशन थ्री और फोर को कंपेयर करेंगे तो दोनों को इक्वेट करेंगे और देखना यहां पे क्या आ गया थ्री ए है दैट इज़ एम टू वन आई वन दैट इज़ इक्वल टू एन टू म्यू नोट एन वन आई वन एरिया ए वन और अपॉन लेंथ एल आई वन से आई वन कैंसिल और एम टू वन किसके बराबर आएगा एम टू वन बराबर आ जाएगा म्यू नोट एन वन एन टू ए वन बाई एल ये आ गया अब एक पॉइंट और समझिए बेटा एरिया दोनों का सेम है तो देखिए आप यहां पे कह सकते हैं नाउ ए वन एरिया इज बोथ द साइड्स और ए वन एरिया ए वन एरिया इज In both, therefore, it will be taken as a. और इसको हम क्या ले सकते हैं ए की तरह ले सकते हैं दोनों में एरिया हमारा ए वन ए वन है और उसको हम किसकी तरह ले सकते हैं ए की तरह ले सकते हैं है. और इस तरह से देख लीजिए मेन पॉइंट ये है आपका कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशियंट होगा एम वन टू वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशियंट होगा टू वन भाई दोनों के दोनों जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉफिशियंट हैं वो दोनों इक्वल आएंगे तो एम टू वन और एम वन टू दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और किसके बराबर होंगे बेटा दैट इज म्यूनोट एन वन एन टू ए बाई एल क्लियर और ये क्या आ गया दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ये हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई और किसके म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स कैरिंग करेंट क्लियर तो इसको आप वीडियो को पॉज करके और अच्छे से नोट कर लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस को अब हम आगे बात करते हैं एक आता है बेटा मोशनल ई तो देखिए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा मोशनल ई नाम से ही पता चल रहा है बेटा दैट इज मोशनल ईएमएफ बेटा मोशनल ईएमएफ क्या है जब कोई मेटेलिक रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है देखिए मान लीजिए हम कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस लगा के हम मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से शो कर सकते हैं क्रॉस लगा के और डॉट लगा के क्रॉस का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड और डॉट का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई मेटेलिक रोड मूव करती है तो उस मेटेलिक रोड के अंदर एक ईएमएफ एम प्रोड्यूस्ड होता है और उस ईएमएफ को क्या बोलते हैं हम दैट इज नोन एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लियर तो देखो मोशनल ईएमएफ क्या है मोशनल ईएमएफ में बताओगे व्हेन ए मेटेलिक रोड व्हेन ए मेटेलिक रोड मूव्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड मूव्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन द रोड एंड नॉन एच एंड नॉन एच मोशनल ई एम एफ क्लियर हो गया बेटा जब भी कोई मेटेलिक रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो रोड के अंदर एक ई एम एफ प्रोड्यूस्ड हो जाता है और उस ई एम एफ को हम क्या बोलते हैं बेटा मोशनल ई एम एफ बोलते हैं एंड इट प्रोड्यूस्ड टिल द road is moving in the magnetic field till the road is moving in the magnetic field as soon as the road stopped as soon as road stopped then motional फ बिकम्स जीरो क्लियर जैसे ही रोड मूव करना बंद करती है वैसे ही आपका मोशनल ई एम एफ क्या हो जाता है जीरो नाम से ही पता चल रहा है जब कोई मेटेलिक रोड मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसमें जो ई एम एफ प्रोड्यूस होता है उस ई एम एफ को क्या बोलते हैं मोशनल ई एम एफ बोलते हैं अब ऐसा होता क्यों है उस पॉइंट पे आते हैं बेटा समझिए मान लीजिए रोड की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया गया है बी बेटा क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुलर इनवर्ड बेटा मान लीजिए रोड की लेंथ है एल ठीक है और आपकी रोड वी वेलोसिटी से मूव कर रही है आपकी रोड कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अब समझिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोड के अंदर मेटेलिक एटम्स होंगे बेटा एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो इसका मतलब सिंपल हम कह सकते हैं कि रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हुए तो बेटा जब कोई चार्ज अगर रोड मूव कर रही है तो चार्ज पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं तो बेटा जब रोड मूव करेगी तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स की वजह से आप क्या बताओगे कि जितने भी प्रोटोन्स हैं वो रोड के अपर मोस्ट पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो रोड के लोअर मोस्ट पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे क्लियर तो होता क्यों है अगर कोई पूछे कि रीजन क्या है तो इसमें क्या बताओगे वहन रोड मूव्स देन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द रोड experience experience a magnetic force whose direction is given by whose direction is given by fleming's left hand rule फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिचिज एट डिफरेंट एंड्स ऑफ द रोड एंड मोशनल ई एम एफ इज प्रोड्यूस्ड एंड मोशनल ई एम एफ इज प्रोड्यूस्ड और क्या हो जाता है बेटा आपका मोशनल ई एम एफ क्या हो जाता है प्रोड्यूस्ड हो जाता है क्लियर और बेटा जैसे ही आपकी रोड मूव करना बंद करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मोशनल ई एम एफ क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और क्या बताओगे as road stops then electron and protons attract each other and motional emf becomes zero and motional emf becomes zero और आपका मोशनल ई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि बेटा जैसे ही रोड मूव करना बंद करेगी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एक्ट करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन एक दूसरे की तरफ वापिस आ जाएंगे इसको आप प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं दोनों एंड से वायर कनेक्ट करिए और एक एलईडी लगा दीजिए और एक क्या लगा दीजिए एलईडी लगा दीजिए तो जैसे ही आप रोड को मूव करेंगे वैसे ही एलईडी ग्लो करेगी जैसे ही आप रोड को मूव करना बंद करेंगे वैसे ही आपकी एलईडी भी क्या हो जाएगी ग्लो करना बंद हो जाएगी क्लियर तो अब देखिए नाउ मोशनल ईएमएफ ई इज इक्वल टू बीएलवी बेटा जो मोशनल ई एम एफ है वो मोशनल ई एम एफ किसके बराबर होगा बी एल वी के बराबर होगा ई e क्या है आपका ई e है आपका दैट इज मोशनल ई एम एफ क्लियर और नेक्स्ट आपका बी क्या है बी है मैग्नेटिक फील्ड एल क्या है लेंथ ऑफ द रोड और वी क्या है वेलोसिटी ऑफ द रोड क्लियर और यहां पे देखिए अगर मैं कहूं इंड्यूस्ड करंट इन रोड रोड के अंदर कितना इंड्यूस्ड करंट होगा तो क्या आएगा इंड्यूस्ड ई एम एफ अपॉन रजिस्टेंस ऑफ द रोड और किसके बराबर आ जाएगा बी एल वी बाई आर आ जाएगा यहां पे आर क्या है आर है बेटा दैट इज रजिस्टेंस ऑफ द रोड और एक पॉइंट समझ लीजिए बेटा ये जो मोशनल ईएमएफ है ये इसी कंडीशन का है क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर अदरवाइज यहाँ पे वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट लिया जाएगा और अगर मान लीजिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड मतलब रोड की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए तो मोशनल ईएमएफ जीरो हो जाएगा ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो मोशनल ईएमएफ है बीएलवी ये सिर्फ इस केस में है क्योंकि स्टैंडर्डली यहाँ पे वेलोसिटी क्या ली जाएगी स्टैंडर्डली यहाँ पे वेलोसिटी ली जाएगी वी साइन थीटा और यहां पे थीटा क्या है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द रोड क्लियर और बेसिकली बेसिकलीसिकली आपका यहां पे एंगल 90 होगा एंगल 90 होगा तो 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू वन और अगर मान लीजिए पैरेलल हुआ तो उस टाइम पे साइन जीरो जीरो और मोशनली एम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपकी रोड पैरेलल मूव करती है तो उस टाइम पे मोशनल ईएमएफ क्या होगा ज़ीरो होगा क्लियर तो इस तरह से बेटा आज जो हमने हैं पढ़े हैं उसमें क्या पढ़ा हमने एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा और एक हमने पढ़ा दैट इज़ मोशनल ईएमएफ जब कोई रोड मूव करेगी तो उसके अंदर जो ई एम एफ प्रोड्यूस्ड होगा उसको मोशनल ई एम एफ कहेंगे जैसे ही रोड मूव करना बंद करेगी मोशनल ई एम एफ जीरो हो जाएगा रोड का मोशनल ई एम एफ बी एल वी के बराबर होगा बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड एल क्या है लेंथ की रोड की लेंथ एंड वी क्या है वेलोसिटी विद विच रोड इज मूविंग और अगर रोड के अंदर करंट की बात करें तो मोशनल ई एम एफ अपॉन के आ जाएगा रजिस्टेंस ऑफ द रोड आ जाएगा क्लियर तो इतना करिए बेटा बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे मोशनल ई और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ओके थैंक यू